हमारे YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। पीडी का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरेट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के केस में हम किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, कि कोई भी हमारे पास फंक्शन होगा उसके मैक्सिमा और मिनिमम किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करते हैं। फिर जनरेट मेथड किस तरह से निकालते हैं वो तो हमने कई जगह पढ़ा है, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 के इक्वल पुट करो, ये करो आर एस टी कुछ इस तरह से करो, वो भी तो जो भी चेंज करते हैं हम, बट वो आते कहाँ से है फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट थिंग है। ये हम यहाँ से सीखेंगे कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। तो फिर पहले जनरली अगर हम देखें तो एक मैक्सिमा या मिन कोई हमारे पास सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये इस तरह का एक फंक्शन है और इस तरह से बना हुआ है, सपोज इस तरह से बना हुआ है 3D में या किसी में भी, ये फंक्शन मैक्सिमा होगा। कोई पॉइंट है ये, सपोज यहाँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये देखने के लिए क्या करने होंगे, हमें एक नेबरहुड लेते हैं, उसका छोटा सा नेबरहुड लेते हैं, उसके उसके जो पॉइंट है उसके आसपास का एक पार्ट लेते हैं। तो उसके आसपास के पार्ट को हम देखते हैं, उसको हम लिखते हैं एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के, यानी थोड़ा सा एच को थोड़ा सा इंक्रीज करो, के को भी थोड़ा सा इंक्रीज करो। तो उस केस में एच और के को इंक्रीज करो और माइनस करो इसमें से एफ एक्स वाई। अब अगर सपोज कि ये जो वैल्यू है यानी एफ एक्स वाई को अगर ये वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो होने के केस में ये क्या कह रहा है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के इज लेस इज ग्रेटर देन एफ एक्स एंड वाई, यानी जो एफ एक्स वाई जो पॉइंट है वो पॉइंट जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट है, यानी इसमें इस एरिया से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो ये मिनिमा पॉइंट होगा एक। और अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में एफ एक्स प्लस एच सॉरी लेस देन जीरो है, वाई प्लस के लेस देन जीरो, तो उस केस में हमारे पास लेस देन एफ एक्स वाई, इस केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है इस एरिया में जो उसकी नेबरहुड है उससे बड़ी है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर इस तरह से हम इसको हम देख सकते हैं कि पॉइंट मिनिमम पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहा होता है उस नेबरहुड में और मैक्सिमम पॉइंट कब एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमें टेलर सीरीज का यूज करना होगा। टेलर सीरीज क्या थी हमारे पास, दो वेरिएबल्स के लिए जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ी थी वो थी हमारे पास दो ऑर्डर के लिए टेलर सीरीज, जिसको हम डेल एफ सॉरी एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के बराबर थी एफ एक्स वाई प्लस एच पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड कोई पॉइंट है, जैसे यहां पे हमारे पास एक्स और वाई दिया हुआ है तो एक्स एंड वाई, सेकंड है हमारे पास प्लस के एफ वाई एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ एक्स 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 वाई प्लस एच के एफ एक्स वाई एफ और ये हो गया एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वाई वाई एंड एक्स वाई प्लस, इस तरह से ये हमारे पास टेलर सीरीज थी। इस टेलर सीरीज की हेल्प से फ्रेंड्स हम पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डिफरेंस, यानी इसका और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस, तो हम इसको क्या कर रहे हैं इधर ले आए और यहाँ पे इक्वल टू को साइन आ गया, तो ये हमारे पास आ गए एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई बराबर टेलर सीरीज की हेल्प से एच एफ एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई सॉरी एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई, इसी तरह से एच स्क्वायर टू फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स वाई प्लस एच के एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वाई बाई एक्स वाई, ये आ गया फ्रेंड्स। अब फिर इसकी जो इसमें एच और जो के एच एंड के जो है
एच एंड के टेस्ट जीरो होते हैं, एच और के जो होता है नेबरहुड होता है वो बहुत छोटा होता है, तो नेबरहुड बहुत छोटा होता है, तो इस कंडीशन में ये वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड्स करेंगी, तो ये जीरो की तरफ टेंड्स करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास एफ, इसको हम डेल एफ दे देते हैं, डेल एफ बराबर, इसको हमने डेल एफ लिख दिया, डेल एफ बराबर एच एफ एक्स एक्स वाई प्लस के एफ वाई एक्स वाई। अब फिर यहां पे हम देखते हैं अगर एच को जीरो पुट कर लिया जाए तो डेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और अगर के को जीरो पुट कर लिया जाए तो इसकी डेल की वैल्यू एच के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है किसी टर्म के लिए मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स के लिए, तो वो है हमारे पास यहां से नेसेसरी कंडीशन बन जाती है, नेसेसरी कंडीशन बन जाती है एफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एफ वाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे पॉइंट जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो उन पॉइंट्स पे हमें चेक करना होता है कि वहां पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैक्सिमम है या मिनिमम है। सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट, हमारे पास ए एंड बी, ये एक पॉइंट है उसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एफ एक्स ए बी है वो भी जीरो होगा, एफ वाई ए बी है वो भी जीरो होगा, यानी कि ये टर्म जो होगी, ये टर्म वो जीरो के इक्वल होगी। अब फिर समाते इस टर्म पे, तो ये टर्म जब जीरो के इक्वल हो गए ए एंड बी पे, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ए प्लस एच और ये बी प्लस के, कोई दो पॉइंट है हमारे पास, माइनस एफ ए बी इक्वल टू ये वाली टर्म एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स ए बी प्लस एच के एफ एक्स वाई इसको नीचे लिख देता हूं मैं, प्लस एच के एफ एक्स वाई एट ए बी प्लस के स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और एफ वाई बाई ए बी। तो बस ये आ गया हमारे पास, अब जो वैल्यू जो डिपेंड करेगी एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी की वैल्यू जो करेगी डिपेंड, वो इस टर्म पे डिपेंड करेगी, इस टर्म पे ये जो टर्म है ये तीन वैल्यू, क्योंकि बाकी जो टर्म है उनमें एच क्यू के क्यू आई है, तो वो जो एच और के जो काफी छोटा है उसकी वजह से हम इनको छोड़ देंगे, आई टर्म को हम नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आई टर्म भी होती है बट उसको नहीं लिखते क्योंकि वो टर्म काफी छोटी होती है, एच और के काफी छोटे हैं, जो 0.001 हो सकता है, 0.002 हो सकता है, इस तरह से काफी छोटा होता है, तो इसका स्क्वायर क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, वो टेंड्स टू जीरो की तरफ हो जाता है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम यहां से क्या कर रहे हैं, लेट एफ एक्स एक्स को दे रहे हैं हम आर एंड एफ एक्स एक्स ए बी को आर दे दिया, एफ एक्स वाई ए बी इसको हमने टी दे दिया एंड सॉरी इसको हमने एस दे दिया एस और एफ वाई वाई ए बी को हमने दे दिया टी। अब हमने ये इनको वैल्यूज पुट कर दी, मतलब इनको एक हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स एक्स ए बी को हमने आर मानेंगे, एफ एक्स एक्स वाई ए बी को एस मानेंगे, एफ वाई वाई ए बी को हम टी मानेंगे। ये हो गया। तो अब यहां से हम इसको लिख रहे हैं दोबारा से एफ एक्स वाई वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, ये टर्म जो है वो तो कट जाएगी क्योंकि ये तो जीरो है, और इस टर्म के आगे हम लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और एफ एक्स एक्स ए बी को क्या दिया हमने आर, तो ये आर स्क्वायर, और इस तरह से हमने ये दिया है
एच के एक्स एच के प्लस एच के और इसको हमने एस डी आई एस और एफ वाई वाई को दिया है हमने टी, तो ये हो गया प्लस के। अब इस टर्म के बाद हमें क्या करना है, ये है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह हमने ए निकाल लिया था, ए लिया था एंड वाई की जगह बी प्लस के माइनस एफ ए बी पे बात कर रहे थे हम ये। अब इसमें हमें आर कॉमन लेना है, 1/2 फैक्टोरियल कॉमन लिया एंड आर, ये हमें पूरा कॉमन लेना है इसमें से, तो ये कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, या तो हम कह सकते हैं आर 1/r डिवाइड कॉमन लिया, या ये कह सकते हैं पूरे इसमें आर का मल्टीप्लाई किया और आर का डिवाइड किया, तो आर का मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर डिवाइड कर लिया, तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2h के s r प्लस k स्क्वायर आर टी, ये हो गया के स्क्वायर आर टी, ये टर्म आ चुके फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसमें इसी वैल्यू में इसमें ही प्लस के स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और साथ ही के स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो ये अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो यहां से बन जाएगा 1/2 फैक्टोरियल आर और ये हो जाएगा एच आर प्लस के एस का होल स्क्वायर, ये हो गया एच आर प्लस के एस का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से और इसमें से तो के स्क्वायर तो बाहर आ गया, बचा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये बचा आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर सपोज दैट आर टी माइनस एस स्क्वायर, सपोज आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जब ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो यहां तक का ये जो क्वेश्चन है यहां से और यहां तक का ये पूरा ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी आर पे, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो ये इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो करेगी आर पे। अब अगर आर जो है इफ आर ग्रेटर देन जीरो, आर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो वैल्यू है एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, तो ये पूरी वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये जो है ये साइन यहां पे आ जाएगा, ये हो गया एफ ए प्लस एच बी प्लस के ग्रेटर देन ए बी, यानी कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आर जो है ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उस नेबरहुड में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये जो हमने छोटा सा नेबरहुड लिया उसमें जो ए बी पूरा पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर आर लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच बी प्लस के इज लेस देन एफ ए बी, यानी जो नेबरहुड था ए बी का जो नेबरहुड था उसमें ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मतलब ये पॉइंट बड़ा है सबसे बाकी जो नेबरहुड है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ, तो ये तो पॉइंट है, ये जो छोटा पॉइंट है तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और आर लेस देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बट अगर हमारे पास हो आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू पे इस जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, तो उसके लिए हमें और चेक करने की जरूरत होगी, और अगर ये जीरो है तब भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इससे आर एस प्लस के एस इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट आर की वैल्यू तो फिर वो फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी।
तो हमें अगर जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो है तो दोनों में हमारे पास और चेक करने की जरूरत पड़ेगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। या फिर हम ऐसे कहें कि अगर k स्क्वायर और ये लेस देन जीरो है rt माइनस s स्क्वायर तो उस कंडीशन में ना तो पॉइंट मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, एक सैडल पॉइंट कह सकते हैं उसको। फिर rt माइनस s स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो देन उस केस में जो पॉइंट है हमारे पास वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो ये हमारे पास हो गया ये है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास। अब फिर जनरल मेथड क्या है, जनरल रूल जो कि इसमें फॉलो होते हैं कि कोई फंक्शन है टू वेरिएबल का उसके लिए जो जनरल रूल जो फॉलो होते हैं वो है हमारे पास फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ जेड। यानी पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जेड बराबर एफ एक्स वाई पे फंक्शन है तो उस कंडीशन में हम पहले सबसे पहले डेल जेड डेल एफ अपॉन या डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं और उसको जीरो के ऊपर पुट करते हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते हैं उसको जीरो के ऊपर पुट करते हैं और ऐसे जो कॉमन पॉइंट आते हैं उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम वैल्यू पॉइंट, यानी इन पे भी चेक करना होता है जहां पे भी वो चेक पॉइंट्स आते हैं उन पे हम चेक करते हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं फिर मुझे भी स्टैंडर्ड वैल्यू पॉइंट कहते हैं उसे। ये भी फ्रेंड मुझे डाउट है इसको क्या कहते हैं ये आप एक बार चेक कर लेना इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं ये मुझे भी डाउट है। ये निकालने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास उनके निकालने के बाद उसके बाद निकालते हैं आर बराबर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी डेल एक्स स्क्वायर और एस बराबर निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड टी बराबर निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी हम जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू टाइम और डेल एक्स डेल वाई निकालते हैं और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं। अब ये निकालने के बाद हम निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में अगर आर लेस देन जीरो है तो ये होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ये हो गया अगर ये है। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन हमारे पास और चेक करने की जरूरत होती है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे हम और ज्यादा चेक करने की जरूरत होती है। फिर से अगर आपको यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, यहाँ पे व्हाट्सएप करना है कॉल नहीं करना है, और अगर मेल करना है तो आप मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है hitesh@gmail.com
और फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ दो या तीन एग्जांपल पढ़ेंगे जिनसे हम इसको और क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकाल रहे हैं, किस तरह से मिनिमम निकाल रहे हैं, किस तरह से चेक करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इस तरह के एग्जांपल और पढ़ जाएंगे इसके। थैंक यू फ्रेंड्स।